उज्जैन पुलिस द्वारा एक 6 सदस्यीय वाहन चोर गैंग को पकड़ा गया है। ये कुछ समय से लगातार शहरी क्षेत्र में सक्रिय थे और पुलिस ने इनके कब्जे से लगभग 14 वाहन अभी तक दो पहिया बरामद कर चुकी हैं। इनका जो अलग अलग थाना क्षेत्रों में इनके द्वारा वाहनों को चिन्हित करके भीड़भाड़ वाले इलाकों से इनको चोरी किया जाता था, उसके बाद विक्रय किया जाता था। पुलिस ने इसमें कुछ मध्यस्थता करने वाले और कुछ खरीदार लोगों को भी पकड़ा है। वर्तमान में अपराध विवेचना में है, पूछताछ में अगर और कुछ जानकारी इनसे प्राप्त होती है आगे भी इसमें और जब्ती होने की संभावना है। हाँ, ये देखेंगे अगर श्रृंखला में वाहन चोरी होते हैं लगातार एक ही स्थान से बार बार, तो इसमें सामने आया है कि गैंग के रूप में ये काम करते हैं और चिन्हित करके स्थानों को फिर वहाँ से चोरी करते हैं वाहनों को। कुछ गैंग उज्जैन पुलिस ने पकड़े हैं, कुछ गैंग अन्य जिलों के भी यहाँ पे सक्रिय थे। लगातार पुलिस का यही प्रयास है कि जो भी गैंग इसमें सक्रिय है, एक तो ये प्रयास रहे कि वो चोरी ना कर पाए, व्यवस्था ऐसी बनाई जाए, पार्किंग स्थलों को इस प्रकार से मैनेज किया जाए। लेकिन अगर जब चोरी होते हैं तो पुलिस ऐसे गैंग को ट्रेस करने में पूरा अपना समय देती है, जैसे इस प्रकार से ये गैंग ट्रेस हुआ है, इससे भी 14 वाहन मिले हैं, पिछले सप्ताह भी लगभग 10 वाहन एक गिरोह से पकड़े गए थे। तो लगातार ये प्रयास रहता है कि जो चोरी के वाहन हैं उसको पुलिस पकड़े। ये 14 वाहन हैं, दो पहिया वाहन हैं, अलग अलग कंपनी के वाहन हैं, जिनकी कीमत 50,000 से 1,00,000 के बीच में है और 6 आरोपी इसमें पुलिस ने पकड़ा है।